हम उम्मीद करते चलिए शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और जब तक आप नहीं जुड़े थे तब तक दो लोगों से मैं बातचीत कर चुकी हूं, कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी से। योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 से बातचीत में मुस्लिम का जिक्र नहीं किया, उन्होंने 80% बनाम 20% कहा, जो कि राष्ट्र विरोधी है उनके लहजे में उन्होंने कहा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े हैं उनका कहना है कि आपने कैटेगराइज कर दिया, आपने परसेंटेज का जिक्र किया है, आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं। क्या वाकई आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं तो अपनी बात की शुरुआत यहीं से करूंगा कि जाकी रही भावना जैसी तिन पावे प्रभु मुहूर्त वैसी। जिन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, जिन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश में नकारात्मक राजनीति की है, जिन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद की राजनीति की है, वो यही सोच सकते हैं, उनकी सोच का स्तर यही है। जिनको उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा से अराजकतावादी माना है, जिन्होंने गुंडागर्दी की है उत्तर प्रदेश में, उनकी सोच का दायरा इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। मैं तो आपसे सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि कुछ प्रश्न आपने मुझसे पूछे, आप एंकर हैं इस शो की, मैं भी कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा और यही साफ हो जाएगा कि 80% बनाम 20% क्या है, कौन 80% है, कौन 20% है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश में जब 2017 के पहले दंगे हुए, हजारों लोग, सैकड़ों लोग बेघर हुए, मारे गए, उस वक्त आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? यकीनन बुरा लगेगा। तो जाहिर सी बात है आप उन 80% लोगों में है जो दंगे के खिलाफ है, जिनको बुरा लगा। उत्तर प्रदेश में जब आतंकवादियों के मुकदमे वापस किए गए और उन आतंकवादियों के मुकदमे जिन्होंने अयोध्या पर हमला किया, जिन्होंने वाराणसी पे हमला किया, जिन्होंने प्रयाग लखनऊ में हमला किया, उनके मुकदमे जब वापस लेने का प्रयास 2017 से पहले हुआ तो आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? बिल्कुल बुरा लगा। जाहिर सी बात है जिनको अच्छा लगा वो 20% में है, और जिनको आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना कष्ट हुआ वो 80% में है। ऐसे उत्तर प्रदेश में जब आतंकी घटनाएं हुई, जिनको अच्छा लगा वो 20% में है, जिनको दुख हुआ वो 80% में है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त हुआ, जी मैं आपके पास एक बार फिर लौटती हूं, वो 80% में है, जिनको दुख हुआ वो 20% में है। काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ, जिनको अच्छा लगा वो 80% में है, जिनको दुख हुआ वो 20% में है। उत्तर प्रदेश की जनता खूब समझ रही है कि ये 20% कौन है, 80% कौन है। शौकत जी, अब शलभ जी ने एक डेफिनेशन आपके सामने दिया है, उदाहरण के साथ आपको समझाया है, अब आप बताइए आपका क्या जवाब है। रीमा जी, किसी भी सरकार में या यदि कोई कृत्य होता है तो उसके खिलाफ मुकदमा होता है, लेकिन दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी की सरकार में जब एक दंगा हुआ तो हम लोगों ने मुकदमा लिखने का काम किया, और उन्हीं दंगाइयों को जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी ने मुकदमा लिखा वो भारतीय जनता पार्टी में विधायक बने, बगैर मुकदमे के ट्रायल हुए, उनके ऊपर से बगैर मतलब कोई जुडिशरी ट्रायल हुई उनके ऊपर से केस वापस लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मुकदमा वापस क्यों लिया गया, सरकार उनको क्यों बचा रही थी? आप निष्पक्ष हैं, एकदम ईमानदारी से काम कर रहे थे, अगर आपको लगता है कि सरकार ने गलत मुकदमा लिख लिया तो मुकदमे का ट्रायल हो जाने दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा वापस लेने की एक परिपाटी चला रही है, और उसमें कोई जरूरी नहीं अपराधी हो, उसमें जुआनी भी शामिल है। इसलिए आप तो आप मैं बोल रही हूं सरकार के इस मुद्दे पे आप लोग हर वक्त बोलते हैं, लेकिन आज हम चूंकि पर्टिकुलर 80 बनाम 20 पे अगर बात करने बैठे हैं, उन्होंने कहा कि 20% में मुस्लिम नहीं है, मैं आप ही से पूछ रही हूं, 20% में मुसलमान नहीं है, उस एंगल से बात कीजिए आप। 20% में शलभ जी का कहना है मुस्लिम सबने नहीं कहा है, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, ये जिसको 20% कहने का काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की आवाम ने समझ लिया है, सारी चीजें उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आती है। इतना गुमराही से आपके जवाब बचने वाले नहीं है, आप कितनी साफ सफाई से जवाब देके चले गए कि हमने आपको नहीं कहा है, हमने मुसलमानों को नहीं कहा, तो किसको कहा? अरे कहने में, दो शब्द कहने में क्या दिक्कत? आप कह दीजिए कि फलाने को हमने कहा है, बात खत्म हो गई। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता को साफ शब्दों में समझ में आ जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा, दुर्भाग्य से देखिए उस व्यक्ति ने कहा जो खुद सनातन धर्म का अगवा है, और सनातन धर्म में ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि आप बंटवारे की बात करिए, जब खुद धर्म गुरु इस तरह की बात कर ले। शौकत जी, 20% में आप बार बार कह रहे हैं कि वो मुस्लिम कह दे, दो शब्द कहना मुस्लिम कह दे, ताकि आप कहें कि 15% एक हो जाओ, है ना? हमने ये किसी से कहा ही नहीं कि कोई एक हो जाए, हमने पहले पहली बातों में अपनी बात कहा, हमने पहली अपनी बातों में कहा कि आप उत्तर प्रदेश के संपूर्ण उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आप 15% पूरे देश का आंकड़ा लेके आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है?
हमने कहा जब उत्तर प्रदेश में बंटवारे की बात उत्तर प्रदेश का मुखिया ही करेगा तो उत्तर प्रदेश में कितने विभाजन हो गए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। जिस उत्तर प्रदेश ने चुनकर आपको भेजा, किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, आप जिसने वोट नहीं दिया आप उसके भी मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने वोट दिया आप उनके भी मुख्यमंत्री हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम 20% के मुख्यमंत्री नहीं है, हम 80% के मुख्यमंत्री हैं? ये तो वो दावा फिर पूरी तरह झूठा हो गया जो आप कहते चले आए, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। मैं आपकी शौकत जी सहूलियत के लिए जो जहां पे मैं आपको लेके जा रही थी कि 15% का आप जिक्र क्यों कर रहे हैं, अब 20%। अबू आजमी से अभी कुछ ही देर पहले हमने बातचीत की थी, वो बातचीत पहले सुनिए। इस वक्त हमारे साथ अबू आजमी जुड़े हुए भी हैं, सीधे मैं उन्हीं की बातें सुनवाती हूँ। पहले बयान सुनवाते हैं हम। अबू आजमी को पहचानते हैं शौकत जी? सुन लिया ना क्या कहा था उन्होंने, 15% मुस्लिम्स। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए चुनकर नहीं भेजा कि आप इस तरह की बात करिए। यानी मैं हमारे समाजवादी पार्टी मुझे सरकार खुशी हुई कि आपने ये बातें कही, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कहा कि जिसने वोट दिया है उसके भी सीएम है, जिसने नहीं दिया है उसके भी सीएम है, वो मुस्लिम के भी, वो हिंदू के भी, वो हर धर्म के सीएम है। लेकिन फिर आप क्यों कैटेगरी में डाल रहे हैं, आप क्यों, अगर वो 20% कह रहे हैं तो आप क्यों मुस्लिम कह रहे हैं, आप क्यों 15% को आगाह कर रहे हैं? रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी भरसक प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो ध्रुवीकरण का हो, उत्तर प्रदेश की आवाम को तमाम चीजें भूलने पे मजबूर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया इस तरह का स्टेटमेंट देके उत्तर प्रदेश की आवाम को गुमराह करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करना। लेकिन अभी आपकी सहूलियत के लिए मैं अबू आजमी को सुनवा चुकी हूँ, 15% का वो बयान दे रहे हैं तो 15% का वो बयान दे रहे हैं तो ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, 15% का बयान वो दे रहे हैं ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, आप बताइए जी। उसी 15% ने योगी आदित्यनाथ जी को वोट भी दिया है, उसी उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ को 5 साल तक सरकार चलाने का मौका भी दिया है, उसी उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने मौका तो दिया है। कहा तो कि सबका साथ सबका विश्वास, शलभ जी आप ही बोलिए। देखिए मैंने कहा ना कि जिनकी भावना जैसी होती है, 15% की बात इन्होंने की, इनके जो नेता आते हैं वो कहते हैं कि देश भर के मुसलमान एक हो जाओ, इनकी तो भावना वैसी है। मुख्यमंत्री जी की पूरी बात अगर आप सुनिएगा तो उन्होंने 80/20 की बात की, 80/20 से बहुत स्पष्ट है कि राम भक्तों पर जो लोग गोलियां चलने से खुश होते थे वो 20% वाले हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलने से दुखी होते थे वो 80% वाले, जो उत्तर प्रदेश में आतंकी धमाके करने वालों के साथ खड़े होते थे वो 20% है, जो आतंकी हमले करने वालों के खिलाफ ATS का सेंटर बनाते हैं देवबंद में जाके वो 80% है, जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस देने पर खुश होते थे वो 20% है, जो आतंकवादियों के खिलाफ फांसी करवाने का प्रयास करते थे वो 80%।